नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल वेलकम करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा एग्रीकल्चर ट्रिक सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है और टॉपिक का नाम होने वाला है हाउ टू रिमेम्बर मॉडिफिकेशंस ऑफ इंसेक्ट एंटेनी। ठीक है, ये जो टॉपिक है किसी भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए बहुत मुश्किल जाता है क्योंकि रट्टा मारने की जगह इसको दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है याद रखने के लिए। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे याद रखना है एक सिंपल ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो पहला टाइप देखिए अरिस्टेट जो, और इसका एग्जांपल है हाउस फ्लाई। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखें, ये देखिए ट्रिक आपके सामने। अरे स्टेट में तो होता है अपना हाउस। ठीक है, तो अरे स्टेट से हम याद रखेंगे अरिस्टेट को और हाउस से याद रखेंगे हम हाउस फ्लाई को, क्योंकि आपका जो हाउस है आपके स्टेट में तो होता है कि ये देखिए आपका हाउस। ठीक है ना, स्टेट में ही आपके, इस तरीके से इसको याद रखें। बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाइपेक्टिनेट ये सेकंड टाइप है और इसके एग्जांपल है मॉथ और सिल्क वर्म। ओके, अब इसको बाइपेक्टिनेट को हम डिवाइड कर देंगे दो शब्द में, एक है बाय और दूसरा है पेक्टिनेट। तो बाय से हम बना लेंगे बाई, और बाई को मदर ने सिल्क की साड़ी दी, ये हमारी है टेक्निक। तो बाई से हम याद रखेंगे बाइपेक्टिनेट, मदर से याद रखेंगे हम मॉथ को, और सिल्क से याद रखेंगे हम सिल्क वर्म को। ओके, देखिए कितनी बढ़िया सुंदर सी साड़ी दी है बाई को उसके मदर ने। ठीक, बढ़ते हैं हम आगे। अब तीसरा टाइप है क्लाइवेट, जिसके एग्जांपल है बटरफ्लाई, ब्लिस्टर बीटल, दो ही एग्जांपल। तो इसको कैसे याद रखें, ये देखिए ट्रिक आपके सामने। तो क्लाइवेट को हम डिवाइड कर देंगे दो शब्दों में, वो है कल वोट। ठीक है, क्लाइवेट को डिवाइड करेंगे कल वोट में। कल वोट देने जाना है तो बटर और बीट की खा के जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ताकत से जाना पड़ेगा कल, क्योंकि इलेक्शन है। ठीक है, वोटिंग है कल, तो और अपनी सरकार हमें जितानी है, बराबर है, तो ताकत होनी चाहिए हम में, तो तभी तो ताकतवर शासन आएगा। ठीक है ना, तो हमारी सरकार जितानी है तो ताकत से वोटिंग करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम, बटर और बीट खा के जाएंगे, क्योंकि उसमें बड़ी ताकत होती है बटर और बीट में। ये देखिए कल वोटिंग का प्रोग्राम है, हमको खाना है बटर और बीट। तो बटर से याद रखेंगे बटरफ्लाई को, और बीट से याद रखेंगे किसको, ब्लिस्टर बीटल को। इसी तरीके से इसको याद रखना है। तो बढ़ते हैं हम आगे। देखिए चौथा टाइप है हमारा कैपिटेट, अब इसको कैसे याद रखेंगे, एक ट्रिक है देखिए कैप और खाप। अब ये खाप क्या होती है, कैप से याद रखेंगे आप खाप को। तो इस खाप पंचायत का जो काम होता है वो क्या होता है, किसी को सजेशन देना हो या फिर सजा देना हो, दोनों काम ये करते हैं। बुजुर्ग लोग बैठते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि किसको क्या सजा देना है। जो कोर्ट का काम होते हैं वो इन बुजुर्गों के पास ड्यूटी है। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह इन खाप पंचायतों के ऊपर उठे हैं, लेकिन कोई बड़ा बदलाव अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो कैप से आप याद रख सकते हैं खाप को, या फिर याद रख सकते हैं आप कैप पहनते हैं खाप पंचायत के सदस्य, इस टेक्निक के द्वारा भी याद रख सकते हैं। ये देखिए खाप पंचायत के सदस्य बुजुर्ग लोग हैं, और एक अलग तरीके का जो कैप है उन्होंने पहना है, कैप नहीं कहेंगे उनको, लेकिन कैप की तरह ही है। तो कैप पहनते हैं खाप पंचायत के सदस्य, इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। कैप से याद रखेंगे हम कैपिटेट को, और खाप से याद रखेंगे खापरा बीटल को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टाइप है फिलीफॉर्म, जिसका एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर। ठीक है, इसको कैसे याद रखें, अभी फाइल ग्रास ग्रास के ऊपर पड़ी है, इस तरीके से याद रखना है। तो फाइल से याद रखेंगे हम फिलीफॉर्म को, और ग्रास से याद रखेंगे हम ग्रास हॉपर के ऊपर। ये देखिए ये आपका ग्रास, और इसके ऊपर ये पड़ी है फाइल। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। जेनिकुलेट नेक्स्ट टाइप है, उसका एग्जाम्पल है एंट्स, बीज और वास्प। इसे कैसे याद रखेंगे, ये देखिए ये ट्रिक, जेनी की आंटी ने हनी वेस्ट कर दिया। तो जेनी से याद रखेंगे, जेनी नाम की एक लड़की है, उससे याद रखेंगे हम जेनिकुलेट को। उसकी आंटी है तो आंटी से याद रखेंगे हम एंट्स को, उन्होंने हनी वेस्ट कर दिया तो हनी से याद रखेंगे हनी बीज को, या फिर बीज को, और वेस्ट से हम याद रखेंगे अपना वास्प। तो देखिए वेस्ट से वास्प को कैसे याद रखना है, ये देखिए आपका वास्प का WAS,
और ये यहाँ पे वेस्ट का डब्ल्यू ए, सॉरी ये आ गया अपना डब्ल्यू ए, यस। तो वास से वास इसका भी सेम है और वास्प का भी डब्ल्यू ए एस सेम है, डब्ल्यू ए एस डब्ल्यू ए एस दोनों में कॉमन है, इस वजह से वेस्ट से हम याद रख सकते हैं वास्प को। अपना है ये देखिए, इतना सुंदर सा हनी वेस्ट कर दिया है जेनिकी आंटी ने, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टाइप है वो है मोनिली फॉर्म, जिसका एग्जाम्पल है टर्माइट्स। ट्रिक क्या कहती है ये देखिए, मोनी फॉर्म में है, मोनी नाम की एक लड़की है वो फॉर्म में है, तो मोनी फॉर्म से याद रखेंगे हम मोनिली फॉर्म को। अब क्यों फॉर्म में है, तो रंग रूप के कारण ही होगी, ठीक है। तो मोनी फॉर्म में है लेकिन कितने देर तक फॉर्म में रहेगी वो, है ना, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो फॉर्म में रहेगी, है कि नहीं। ये देखिए ये जो पिक्चर क्या कहता है हमें, इसको कॉपी कर दें, अब इसको जगह ही नहीं है, इसको यहीं पे रहने देते। देखिए ये जो पिक्चर ढलते हुए सूरज का है, तो एक शायरी याद आ रही है मुझे अभी, कि जो शायरी ऐसी है कि रंग रूप पे इतना गुरूर कर मत पगले, कि रंग रूप पर इतना गुरूर मत कर पगले, ये सूरज ढल जाता है तो हम इंसान चीज ही क्या है। तो इस तरीके की कहानी है, तो इसे याद रखिए मोनी फॉर्म से, मोनी फॉर्म में है तो मोनिली फॉर्म, शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगी, तो टर्म से याद रखिए टर्माइट्स को, ठीक है। हम बढ़ते हैं अभी आगे, अभी पेक्टिनेट है, पेक्टिनेट का एग्जांपल है सॉ फ्लाई। अब पेक्टिनेट का पीईसी हम लेंगे, पीईसी से बन जाता है हमारा पेक, तो पेक लगा लिया आपने पर दोस्त ने आपके सवार लिया आपको, नहीं तो घर जाते जाते ऐसी पिटाई होती कि पूछे मत आप। तो पेक लगा लिया इसका मतलब है पेक्टिनेट, और दोस्त ने सवार लिया इसका, सवार से हम याद रखेंगे सॉफ्ट लाई को। कैसे ये देखिए, ये एस ए डब्ल्यू यहाँ पे, एस ए डब्ल्यू यहाँ पे कॉमन है, ठीक है ना, तो एस ए डब्ल्यू कॉमन है, इस वजह से सवार से याद रखिए सॉफ्ट लाई को, ठीक है ना। हाँ ये देखिए, ये लगा रहा है भाई पेक पे पेक, और इसके घर जाने के बाद जो धुलाई होगी ना वो पूछे मत आप, लेकिन इसका दोस्त अगर इसको सवार ले तो बात बन जाएगी। पेक से याद रखिए पेक्टिनेट, सवार से याद रखिए सॉफ्ट लाइन। बढ़ेंगे हम आगे, पाइलोज, पाइलोज से याद रखेंगे हम फीमेल मॉस्किटो को। कैसे, मॉस्किटो यहाँ पे कॉमन है, पाइलोज में भी और प्लूमोज में भी मॉस्किटो कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे फीमेल है या फिर मेल है वो याद रखना है, ठीक है ना। तो इसे कैसे याद रखेंगे, अब पी आई एल ओ के बाद हम फिर से एक लगा देंगे ओ, और हमारा बन जाएगा पिल्लू। तो पिल्लू को रोज दिया, तो पिल्लू रोज से हम याद रखेंगे पाइलोज, ठीक। और रोज किसे दिया जाता है, पिल्लू को दिया जा रहा है, मतलब पिल्लू हो जाती है हमारी फीमेल। इसका उल्टा भी हो जाता है, मेल को भी रोज मिल जाता है, लेकिन वो रेयर बात होती है, एक्सेप्शन होता है। तो एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, जो मेजोरिटी है उसको देखिए। पिल्लू को रोज दिया जा रहा है, मतलब पिल्लू कौन है, फीमेल है, तो फीमेल मॉस्किटो यहाँ से याद रखेंगे। देखिए ये दे रहा है उसके वाइफ को एक रोज, ठीक है ना। पिक्चर इसलिए ऐड किए गए, अगर हम फैक्चुअली ऐसे बात कर रहे हैं तो आपका अगर 50% याद रह जाता है, तो पिक्चर देखने के बाद आपका 70-80% तक याद रह जाता है। ये साइंटिफिक स्टडी है, इस वजह से पिक्चर यहाँ पे ऐड किए गए, दूसरा कोई भी उद्देश्य इस पिक्चर में नहीं है, ठीक है। चले बड़े हम आगे, अब प्लूमोस याद रखेंगे मेल मॉस्किटो को, ठीक है। अब कैसे, तो पी एल यू को हम लिखेंगे आई एल यू। अब आई एल यू का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है, आई एल यू आप किसे कहते हैं, फीमेल को कहते हैं, लेकिन कहता कौन है, मेल कहता है, तो कहा जाता है मेल के द्वारा, इस वजह से इसको हम प्लूमोस को मेल मॉस्किटो ऐसा याद रखेंगे, ठीक। दूसरी भी टेक्निक है वो है एल यू, इसमें है, उसमें क्या था, पाइलोज में आई था, इसमें एल यू है, ठीक है। एल यू से गोलू या ढोलू है और बहुत सारे नेम है, तो ये किसके नेम है, ये मेल के नेम है, इस वजह से ये प्लूमोस जो है मेल मॉस्किटो होता है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। पिक्चर कोई ऐड नहीं किया गया इसमें, एक सिंबॉलिक पिक्चर है आई एल यू का, ठीक है ना, सिंबॉलिक तौर पर इसे लीजिए, ठीक है ना। चलो बढ़ेंगे हम आगे, सिटासियस है जिसका एग्जाम्पल है कॉकरोच, मे फ्लाई, स्टोन फ्लाई और लीफ हॉपर। बाप रे बाप, इतने सारे एग्जाम्पल आप कैसे याद रखेंगे, हम सिंपली याद रखेंगे। देखिए
ट्रिक क्या कहती है? सीता माँ ने लीफ और स्टोन से बना दिया घर जिसमें कॉकरोच दिखा। ठीक है, तो सीता से हम याद रखेंगे सीटासियस, माँ से हम याद रखेंगे मे फ्लाई, लीफ से याद रखेंगे लीफ ऑपर, स्टोन से याद रखेंगे स्टोन फ्लाई, और उस घर में उन्हें क्या दिखा? कॉकरोच। इस वजह से याद रखेंगे हम कॉकरोच को। ये देखिए, ये सीता माँ ने बनाया है एक घर जो बनाया है लीफ से यानी पत्तों से और स्टोन से यानी पत्थरों से। ठीक है ना, बहुत सुंदर घर बनाया है, लेकिन कॉकरोच दिखा इसमें। ठीक है, याद रहे जगह भी। बढ़ेंगे आगे, सेरेट पल्स बिटल एग्जाम्पल याद कैसे रखें? ट्रिक, शेरा की पल्स रेट बढ़ गई तो सेरेट को हम पहले तीन चार अक्षर ले लेंगे तो उससे शेरा बन जाएगा, शेरा को हम कन्वर्ट करेंगे शेरा में, और ये शेरा जो है इसकी पल्स रेट बिगड़ गई तो पल्स से याद रखेंगे पल्स बिटल। ये देखिए आपका शेरा, यहाँ पे कोरोना हो गया इसको, इसकी पल्स रेट बिगड़ गई है, गया डॉक्टर के पास। ठीक है ना, तो शेरा से याद रखेंगे सेरेट, पल्स रेट बिगड़ गई तो पल्स से याद रखेंगे पल्स बिटल। आगे लैमेलेट है और उसका एग्जाम्पल है डंगरोलर, और दूसरा एग्जाम्पल है राइनोसिरस बिटल। कैसे याद रखना है देखें, राम ने डंग के ऊपर रोलर चलाया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो यल है इसको कन्वर्ट किया है आर में, क्यों? क्योंकि लैम से कोई भी टेक्निक नहीं बनती है तो लैम को हमें राम करना पड़ेगा, तो यल को कन्वर्ट किया है आर में, तो राम ने डंग के ऊपर रोलर चलाया। डंग क्या होता है? जो गोमाता या बैल जो है उसका एक्सक्रीशन होता है। ठीक है ना, शेन जिसे कहते हैं मराठी में, तो ये जो डंग है इसके ऊपर राम ने चला दिया है रोलर। ठीक है, और रोलर अगर चला दिया है तो फिर क्या होगा? इसका बीच में इसके आ गया डायनासोर। ठीक, बीच में डायनासोर आ गया, तो डायनासोर से याद रखेंगे हम राइनासोर, राइनोसिरस बिटल को। राम से याद रखेंगे हम लैम, लैम को पूरा लिख लेंगे लैमेलेट। डंग से याद रखेंगे डंग रोलर को। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना है। इसकी ट्रिक थोड़ी हार्ड थी, कोई ना कोई इसको इसमें तड़जोड़ करना बनता था, इस वजह से थोड़ा सा आप भी समझ लीजिए इस ट्रिक को। ये देखिए डंग, एक्चुअली ये डंग रोलर है। ये क्या करता है? ये जो डंग होता है इसको रोल करते जाता है, इसका एक लड्डू की तरह आकार बना लेता है और उसको रोल करते चलता है, इस वजह इसका नाम पड़ गया है डंग रोलर। ठीक है, तो राम ने क्या किया? इसका डंग रोलर चला दिया इसके ऊपर, बीच में डायनासोर आ गया। ठीक है ना, इस तरीके की ये ट्रिक है, इससे ध्यान से देख लीजिएगा। बीच में आ गया इसका डायनासोर। ओके, चलो आगे। स्टाइलेट एग्जाम्पल है रॉबर फ्लाई, याद कैसे रखें? स्टाइल से रॉबरी करके चला गया। रॉबर इसका मतलब क्या होता है? चोरी करने वाला, चोर। ठीक, तो वो स्टाइल से चोरी करके चला गया बेचारा, रॉबरी करके चला गया, तो स्टाइल से याद रखेंगे हम स्टाइलेट को और रॉबरी से याद रखेंगे हम रॉबर को। देखें कितने स्टाइल में ये चोरी करके निकल रही है लड़की, है ना। आगे फ्लैबलेट एग्जाम्पल है स्टाइलो पेट्स। ठीक, याद कैसे रखें? लैब में स्टाइल नहीं मारनी है। अब यहाँ पे एफ एल ए बी, फ्लैब से कोई भी टेक्निक नहीं बन रही थी तो यफ यहाँ पे हम कर देंगे साइलेंट। उसके बाद आता है एल ए बी, लैब से बन जाता है हमारा लैब, एल ए बी। लैब में स्टाइल नहीं मारनी है, क्योंकि अगर लैब में स्टाइल मारेंगे तो कोई ना कोई केमिकल अपने आपके बॉडी के ऊपर गिर जाएगा और फिर आप कहीं पे भी स्टाइल मारने लायक नहीं रहोगे। ठीक है ना, तो लैब से याद रखेंगे फ्लैबे लेट को और स्टाइल से याद रखेंगे हम स्टाइलोफिट से। तो लैब में इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लैब में लेट आके स्टाइल नहीं मारनी है तो लैब में लेट से फ्लैबा लेट याद रख सकते हैं, और स्टाइल नहीं मारनी है तो स्टाइलोफिट्स ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ठीक, इस तरीके से इसको याद रखना है। ये देखिए, ये जनाब जो है लैब में स्टाइल मार रहे हैं और कोई केमिकल अगर दोनों के बॉडी के ऊपर गिर गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी बेटा। ठीक है ना, तो इस तरीके की हरकत नहीं करनी है लैब में। ट्रिक ध्यान में आ गई होगी आशा करता हूँ। आगे बढ़ेंगे हम वर्ल्ड, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है मैंगो मिली बग। ठीक, ट्रिक क्या कहती है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें क्या सजेस्ट किया था कोरोना के वक्त? मैंगो मील लेने के लिए कहा है। ठीक है, तो WHO से हम याद रखेंगे वर्ल्ड को, जिसका मतलब ये देखिए आप, ये WHO और ये WHO यहाँ पे लिया गया है सेम। ठीक है ना, तो WHO कॉमन है इसलिए WHO की ट्रिक बनानी पड़ी है, तो WHO से याद रखेंगे वर्ल्ड को, और उन्होंने कहा है कोरोना के वक्त कि मैंगो मील लिए, मतलब आप ले, क्यों? ताकि
आपकी जो प्रतिकार शक्ति है वो बढ़े, ठीक है ना। ये देखिए ये WHO का हेडक्वार्टर, उन्होंने कहा है मैंगो का मील ले, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और भी न जाने क्या क्या होता है, तो इससे प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। इस वजह से उन्होंने कहा है, कहा नहीं है, ट्रिक में कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है, मैंगो मील लेना है, WHO ने कहा है, WHO से वर्ल्ड और मैंगो मील से मैंगो मिली बग, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो अगर आपको ये जो ट्रिक है पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और आप चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वन एंड थैंक यू ऑल।